दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। किस्मत कई बार किस तरह साथ देती है ये इस खिलाड़ी को देखकर पता चलता है। एक बड़ा खिलाड़ी चोटिल हुआ और उस खिलाड़ी का करियर बन गया। नाम है दिनेश मोंगिया। 29 अक्टूबर 2002 कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और श्रीलंका के बीच फाइनल खेला गया। श्रीलंका ने 299 रन बनाए और भारत सिर्फ 54 रनों पर ढेर हो गया। इस हार के बाद जब दादा कोलकाता पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पत्रकारों और उनके पिता के अलावा कोई नहीं था। दादा ने बताया था कि युवाओं पर वो कितना भरोसा करते हैं। उस दौर में कई युवाओं की टीम में एंट्री हुई जिसमें समीर धीगे, श्रीधरन, श्रीराम, हेमंत बदानी, अमित भंडारी, विजय दहिया और दिनेश मोंगिया जैसे क्रिकेटर्स रहे, लेकिन कोई भी मोंगिया जितना लंबा नहीं चल सका। साल 2001 में मोंगिया डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग तरह के फॉर्म में थे। दिलीप ट्रॉफी में डबल 100, फिर 308 रन। सेलेक्टर्स ने मोंगिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दे दिया। टीम में एंट्री तो मिली लेकिन शुरुआत बहुत खास नहीं रही। फिर भी दादा का भरोसा इस खिलाड़ी पर बना रहा। साल था 2002, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी। उस सीरीज से पहले सौरव गांगुली के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई। जिस वीरु को प्रमोट करके उन्होंने ओपनिंग की परेशानी दूर की थी, उन्हें इंजरी हो गई। ओपन करते हुए वीरु कमाल के फॉर्म में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक और उसके बाद केन्या और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फॉर्म, लेकिन जिम्बाब्वे के पहले ही उनका कंधा उतर गया। वीरु को चोट लगने के बाद अब टीम मैनेजमेंट के सामने ओपनिंग की बड़ी परेशानी थी। सीरीज से पहले पूरी टीम बस में एक साथ जा रही थी। सौरव गांगुली बस में भी कप्तान रहते थे, हमेशा सबसे आगे की सीट पर बैठते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी सीट छोड़कर पीछे एक सीट पर जगह बना ली थी एक खिलाड़ी के बगल में जिसका टीम इंडिया में अभी कोई ठोर ठिकाना नहीं था, यानी दिनेश मोंगिया। दादा ने मोंगिया से कहा, वीरु का शोल्डर उतर गया है, क्या तुम ओपनिंग करोगे? बस दिनेश को तो मानो वो मिल गया जिसके लिए वो तरस रहे थे। पंजाब टीम के लिए ऊपर खेलने वाला खिलाड़ी टीम इंडिया में कभी 6 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, तो कभी इधर उधर हो रहा था। उन्होंने झट से कहा, ठीक है दादा, कर लूंगा, उसमें क्या है। मोंगिया से ओपनिंग करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अनिल कुंबले का भी था। जिम्बाब्वे के खिलाफ उस सीरीज से लगभग 1.5 महीने पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट में चैलेंजर्स ट्रॉफी खेली गई। कुंबले जिस टीम के कप्तान थे उसमें दिनेश मोंगिया भी थे, लेकिन सेलेक्टर्स माशाल्लाह थे, टीम तो चुनी लेकिन ओपनर ही नहीं दिया। अब कुंबले के सामने बड़ी परेशानी आ गई कि ओपनिंग किससे करवाई जाए। मैच से एक दिन पहले उन्होंने दिनेश से पूछा, तुम ओपनिंग कर लोगे? दिनेश तैयार हो गए, तैयार भी हुए और सेंचुरी भी ठोक दी। उन्होंने उस मैच में 140 गेंदों पर 131 रन बनाए। बस फिर क्या था, जंबो इम्प्रेस हो गए। जंबो ने घूम घूम कर ये बात बहुत सारे लोगों को बता दी, चाहे वो विश्वनाथ हों, गावस्कर हों या फिर सौरव गांगुली। उन्होंने सबसे कहा, यार ये लड़का निडर है, जो मैं बोलूं वो करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो खुद सौरव गांगुली ने चैलेंजर्स ट्रॉफी में मोंगिया को ओपन करते देख लिया था, लेकिन कुंबले ने भी सौरव के मन में जो डाउट था उसे दूर कर दिया। बस मोंगिया ने मौका का फायदा उठा लिया। सीरीज के पहले 4 मैचों में उन्हें स्टार्ट मिलती थी, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। पहले मैच में गांगुली के साथ उन्होंने 46 रन जोड़े, दूसरे मैच में दोनों ने पहले विकेट के लिए 109 रन जोड़े, तीसरे और चौथे मैच में वो ज्यादा नहीं कर सके। मोंगिया परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुवाहाटी में खेले जाने वाले 5वें वनडे से पहले शाम में जॉन राइट, संजय मांजेकर और दिनेश मोंगिया साथ में बैठे थे। संजय ने उस बातचीत के दौरान जॉन राइट से कहा, ये जो लड़का है ना, इसकी रेपुटेशन 50-50 रन बनाने की नहीं है, इसकी रेपुटेशन 200-300 रन बनाने की है। बस संजय मांजेकर की इस बात ने मानो मोंगिया के लिए वो काम किया जो सुग्रीव की सेना ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाने के लिए किया था। मोंगिया भी अगले दिन कुछ सोचकर उतरे और उस मैच में पूरे 235 मिनट बल्लेबाजी की। 50 ओवर के बाद भी जिम्बाब्वे का कोई गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया। मोंगिया 159 रन बनाकर नॉट आउट वापस लौटे, उनके करियर का सबसे बड़ा वनडे स्कोर। 19 मार्च 2002 को खेला गया ये मैच मोंगिया के वनडे करियर का 15वां मैच था। इस पारी की बदौलत मोंगिया पहले वेस्ट इंडीज गए, फिर इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज भी खेली। कप्तान गांगुली का उन पर इतना ज्यादा भरोसा हुआ कि उन्हें 2003 विश्व कप में साउथ अफ्रीका भी लेकर गए, लेकिन फिर मोंगिया के बल्ले से वो बड़ा कमाल कभी नहीं दिखा। मोंगिया ने अपने वनडे करियर में कुल 57 मैच खेले जिसमें उन्होंने 28 के औसत से 1230 रन बनाए,
चार अर्धशतक और एक शतक, मुंगिया के जिस एक शतक का जिक्र हमने किया उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी शतक नहीं लगा पाए। गुवाहाटी वनडे के बाद मोंगिया ने कुल 42 वनडे खेले लेकिन सिर्फ 3 अर्धशतक ही बना सके। विश्व कप 2003 के बाद बांग्लादेश में ट्राई सीरीज खेलने के बाद वो टीम से बाहर हो गए। फिर 2004 में एक मैच, 2005 में दो मैच, 2006 में चार मैच और 2007 आते आते उनका करियर खत्म हो गया। ये स्टोरी की थी हमारे साथी विपिन ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।